हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने किसी भी संधारित्र के पोटेंशियल एनर्जी के विषय में देखा था, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर के विषय में हमारा पिछला वीडियो क्लिप था। आज हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र के विद्युत स्थितिज ऊर्जा के विषय में देखेंगे, और साथ ही देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के विद्युत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, और आगे देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पहला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और तीसरा द फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहला क्या टॉपिक हमारा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कोई भी हो, उसके पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक हमने फार्मूला डिराइव किया है, वो है यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा है यू इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी, और तीसरा है यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी। ये तीन फार्मूला का डेरिवेशन हमने किया है किसी भी संधारित्र के लिए, लेकिन आज हमारा जो संधारित्र है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है। तो ये जो हमने फार्मूला डिराइव किया है वो किसी भी कैपेसिटर के लिए किया है। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस फार्मूले को हम उठाएंगे, क्योंकि जो कैपेसिटेंस कैपेसिटर का होता है वो अलग अलग होता है। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कुछ और होगा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कुछ और होगा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कुछ और होगा। तो हम इस फार्मूले में अगर सी की जगह इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला अगर हम लगा दें तो हमारा ये यूज होगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होगा। तो हम जानते हैं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है तो उसके लिए हम एक फार्मूला जान गए हैं, आप साइलन जीरो ए अपान डी। अगर दोनों प्लेटों के बीच वैक्यूम हो, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो, तो ऐसी स्थिति में सी को हम लिखते हैं आप साइलन जीरो ए अपान डी। लेकिन जब दोनों प्लेटों के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाता है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के होता है, तो ऐसी स्थिति में सी का मान जो हो जाता है वो हो जाता है के ऑफ साइलन जीरो ए अपान डी, ये हो जाता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच वैक्यूम हो जहाँ पर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम इस फार्मूले को लगा करके हम C का मान रखेंगे यहाँ पर, और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आएगा। तो आइए देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होता है। तो क्या लिखेंगे कि लेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज भी, देन सी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं ऑफ साइलेंट जीरो ए अपॉन डी। कब? व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट, ये हो गया। अब इसी सी का मान हम कहाँ रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवेन बाई यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, देयर फोर यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ अपनी जगह होगा और सी की जगह हम इसको रख देते हैं, क्या हो जाएगा ऑफ साइलेंट जीरो ए अपान डी और इनटू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। यहां से हमने सी का मान यहां पुट अप कर दिया। अब यहाँ से आप देखिएगा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
इसके प्लेटों के बीच की दूरी डी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है और इन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लिखते हैं V इक्वल टू ई इंटू डी, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो होता है भी अपॉन डी के और यही होता है ई के। तो यहाँ से भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी का मान हम ई इंटू डी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट यू इक्वल टू हाफ ऑफ सेलेन जीरो ए अपॉन डी इंटू ई इंटू डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम यू को देखें तो यू इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ ऑफ सेलेन जीरो ए अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब एक डी इस डी से कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है आपके पास, इंप्लाई दैट यू इक्वल टू हाफ ऑफ सेलेन जीरो ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। ये हमारा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ ऑफ सेलेन जीरो ई स्क्वायर इंटू ए डी। और आप ए डी को क्या लिख सकते हैं, दो प्लेट हमारे इस तरह से हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इसका एरिया ए है और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है। तो अगर इस एरिया में इस डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लेटों के बीच जो वॉल्यूम होता है वो निकल के आता है, यानी ए इंटू डी ये एरिया है और ये डी प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं भी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यू इक्वल टू हाफ ऑफ साइलेन जीरो ई स्क्वायर इंटू भी। यहाँ भी क्या है, भी इज द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हम यू से लिखते हैं इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ ऑफ साइलेन जीरो ई स्क्वायर इंटू भी। ये अब हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और ये क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट एनर्जी डेंसिटी पोटेंशियल डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पूरा है ये यू यू अपॉन भी। ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ साइलेन जीरो ई स्क्वायर इंटू भी अपॉन क्या हो जाएगा, भी 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 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो गया, इक्वल टू हाफ ऑफ साइलेन जीरो ई स्क्वायर। ये एक फार्मूला और बन के आया। तीसरा जो टॉपिक है वो है कि दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच फोर्स कितना लगता है, उस फोर्स को हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमने पहले बताया था कि इस प्लेट को चार्ज करने के लिए, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो चाहे कोई भी कैपेसिटर हो, उसको हम जब चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के लिए हमको उस पर वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और वो वर्क जो होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, हम लिखे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ई इज इक्वल टू वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल होता है। तो इसके पहले हमने बताया था कि पहला चार्ज हमने दिया और ये चार्ज इस प्लेट पर हो गया, जब आगे दूसरा चार्ज देने जाते हैं प्लस, दोनों प्लस एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अपोज में हमको वर्क करना पड़ता है और ये चार्ज दिए, फिर दूसरा तीसरा चार्ज दिए, फिर इन दोनों चार्ज मिलकर के इसको रिपेल कर रहे हैं,
इस रिपल्सन के विरुद्ध फिर हमको वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह से पूरे प्लेट को चार्ज करने के लिए हमको रिपल्सन फोर्स के विरुद्ध वर्क करना पड़ता है। यही वर्क जो W हम करते हैं ये U के रूप में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमने फार्मूला का डेरिवेशन कर लिया था कि U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर या U इक्वल टू हाफ क्यू वी या U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपन सी के रूप में हमने पोटेंशियल एनर्जी को या इस पर किए गए वर्क को देख लिए थे। अब आज हम इसी वर्क को दूसरी तरह समझते हैं। जैसे हमने इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया और आप जानते हैं कि इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको हम पहले एक वीडियो क्लिप में बता दिए हैं। अब ये प्लस चार्ज से चार्ज्ड है और ये माइनस चार्ज से चार्ज्ड है, दोनों प्लेट के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, कूलाम फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे, लेकिन हमको प्लेट के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्लेट को एक निश्चित डिस्टेंस पर बनाए रखना है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोज में हम वर्क करके इन दोनों प्लेट को अलग अलग बनाए रखते हैं, और जितना वर्क हमको करना पड़ता है इनको अलग अलग करने के लिए वही वर्क W क्या होता है, U के इक्वल हो जाता है। और वही जो होता है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो अब कितना वर्क करना पड़ता है उसको आज हम दूसरी तरह से देखते हैं। जैसे अब इन दोनों प्लेटों के बीच ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट निगेटिव चार्ज है, दोनों प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स E लगता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स E लगता है। मान लेते हैं ये चार्ज यहीं पर रखें और इस चार्ज को हम दूर करना चाहें, तो इस चार्ज पर जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई लगेगा। इन दोनों चार्ज प्लेट की वजह से इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस प्लेट पर अगर चार्ज Q है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्यू इंटू ई के कारण ये प्लेट इस माइनस प्लेट की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन हम इसको वर करके डी दूरी पर बनाए रख रहे हैं, कितनी दूरी पर, डी दूरी पर बनाए रख रहे हैं। तो इस चार्ज प्लेट को डी दूरी तक खींच करके लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य क्या होगा, इसे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहेगा। तो क्या लिखेंगे, ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वी हैव टू ए वर्क डब्ल्यू फॉर सेपरेशन एट ए डिस्टेंस डी बिटवीन द प्लेट, दिस वर्क इज कन्वर्ट इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्या देखेंगे, ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, क्योंकि इस प्लेट को डी डिस्टेंस तक बनाए रखने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी हो जा रहा है, यानी W इज इक्वल टू U हो जा रहा है। और W क्या है, इस F के अपोज में इस प्लेट को डी डिस्प्लेसमेंट देने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क क्या है, यू है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू डी। एफ क्या है, इस प्लेट पर या किसी एक प्लेट पर लगने वाला फोर्स है, और उस फोर्स के अपोज में हम जो डी डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट डी है। तो एफ इंटू डी जब हम करते हैं तो डब्ल्यू मिल जाता है, इक्वल टू क्या हो गया, यू हो गया। ये F इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया, U हो गया। अब U इक्वल टू हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू क्या क्या हो जाता है, हाफ क्यू भी होता है, हाफ सी भी स्क्वायर होता है, और क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है, ये तीनों होता है। तो U की जगह हम ये रख लेते हैं हाफ क्यू भी, क्या हो जाएगा, F इंटू डी इक्वल टू हाफ क्यू इंटू भी। अब हमको क्या निकालना है, F निकालना है। तो F को एक तरफ कर दीजिए, D को ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, therefore F इक्वल टू, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ Q इंटू V अपान D। और ये V अपान D क्या होता है, आप देख चुके हैं V अपान D इक्वल टू क्या होता है, E होता है। तो क्या लिख देंगे, imply that F इक्वल टू हाफ Q इंटू E। ये हमारा हो गया दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला फोर्स। तो क्या हुआ, तो पहले तो हमने देखा कि
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर इंटू भी। और दूसरा हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी यू बाई भी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। और तीसरा हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच फोर्स क्या लग रहा है, तो वो फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू हाफ क्यू इंटू ई। ये तीन फैक्टर को हमने आज देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो हमने देखा हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर इंटू भी। दूसरा हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, यू बाई भी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। और तीसरा हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, हाफ क्यू इंटू ई है। तो ये हमने तीन टॉपिक को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।